हाईलाइट शेयर करूंगा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड की मैच की मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में। यहाँ पर हाईलाइट शेयर करूंगा, यहाँ पर आप मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में इंडिया वर्सेस नेदरलैंड की मुकम्मल हाईलाइट देखोगे। वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में इंडिया वर्सेस नेदरलैंड की मैच की मुकम्मल फुल हाईलाइट शेयर करने वाला इस वीडियो में। लेकिन हाईलाइट से पहले आप लोग को दिखाऊंगा इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के दोनों टीम के मुकम्मल स्कोर कार्ड। इसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगा दोनों टीम के मुकम्मल स्कोर कार्ड, बॉलिंग और बैटिंग के स्कोर कार्ड। इसके बाद आप लोग के साथ मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में हाईलाइट शेयर करने वाला हूँ। अगर तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाई ताकि हमारे किस्म नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिया वर्सेज नीदरलैंड की मैच के हवाले से, जो कि मैच जो कि इंडिया ने जीता। इसके बाद आज की लेटेस्ट हाईलाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस मैच की। तो पहले नंबर की बात करते हैं इंडिया के स्कोर कार्ड के बारे में, तो पहले नंबर की बात करें रोहित शर्मा, जिसने 34 गेंदों का सामना करते 61 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें शिवम के लिए, 32 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाए, 3 चौके 4 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें विराट कोहली की, 56 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाए, 5 चौके लगाए और 1 छक्का लगाए। इसके साथ बात करें शेरस लयार की, जिसने 194 गेंदों का सामना करते 128 रन बनाए, 10 चौके 5 छक्के लगाए हैं। इसके साथ बात करें के आर राहुल, जिसे 64 गेंदों का सामना करते 102 रन बनाए हैं, 11 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें सूर्य कुमार यादव की, जिसने 1 गेंद का सामना करते हुए 2 रन बनाए हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड की बॉलिंग की, तो अरिंदम दत्त ने 7 ओवर में 52 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। वेन बेक जिसने 10 ओवर में 170 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। यहाँ पर बात करेंगे माकरम की, जिसने 3 ओवर में 25 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। मेकरन ने 10 ओवर में 90 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मेन ने 10 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल की। बस डिलेड ने 10 ओवर में 72 रन देकर 2 विकेट हासिल की। अब यहाँ पर बात करेंगे नीदरलैंड की बैटिंग की, स्कोर कार्ड की। बेजरी ने 5 गेंदों का सामना करते 4 रन बनाए। मिक्स ओडेडो ने 42 गेंदों का सामना करते 30 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाए। इसके साथ बात करें अक्रमेन की, जिसने 32 गेंदों का सामना करते 35 रन बनाए, 6 चौके लगाए हैं। इसके साथ बात करेंगे 18 गेंदों का सामना करते 7 रन बनाए। इसके साथ बात करें एडवर्ड 11 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। यहाँ पर बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग की, तो जसवंत बुमराह ने 6 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल की। मोहम्मद शामी ने 5 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की। या कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 1 रन एक मीडियम किया, 8 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। पर जडेजा की बात करें, 2 ओवर में 4 रन देकर जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल की। हाईलाइट शेयर करूंगा इंडिया वर्सेस नीदरलैंड की मैच की मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में। यहाँ पर हाईलाइट शेयर करूंगा, यहाँ पर आप मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में इंडिया वर्सेस नीदरलैंड की मुकम्मल हाईलाइट देखोगे। वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में इंडिया वर्सेस नीदरलैंड की मैच की मुकम्मल फुल हाईलाइट शेयर करने वाला इस वीडियो में। लेकिन हाईलाइट से पहले आप लोग को दिखाऊंगा इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के दोनों टीम के मुकम्मल स्कोर कार्ड। इसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगा दोनों टीम के मुकम्मल स्कोर कार्ड, बॉलिंग और बैटिंग के स्कोर कार्ड। इसके बाद आप लोग के साथ मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में हाईलाइट शेयर करने वाला हूँ। अगर तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाई ताकि हमारे किस्म नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिया वर्सेज नीदरलैंड की मैच के हवाले से, जो कि मैच जो कि इंडिया ने जीता। इसके बाद आज की लेटेस्ट हाईलाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस मैच की। तो पहले नंबर की बात करते हैं इंडिया के स्कोर कार्ड के बारे में, तो पहले नंबर की बात करें रोहित शर्मा, जिसने 34 गेंदों का सामना करते 61 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें शिवम के लिए, 32 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाए, 3 चौके 4 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें विराट कोहली की, 56 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाए, 5 चौके लगाए और 1 छक्का लगाए। इसके साथ बात करें शेरस लयार की, जिसने 194 गेंदों का सामना करते 128 रन बनाए, 10 चौके 5 छक्के लगाए हैं। इसके साथ बात करें के आर राहुल, जिसे 64 गेंदों का सामना करते 102 रन बनाए हैं, 11 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें सूर्य कुमार यादव की, जिसने 1 गेंद का सामना करते हुए 2 रन बनाए हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड की बॉलिंग की, तो अरिंदम दत्त ने 7 ओवर में 52 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। वेन बेक जिसने 10 ओवर में 170 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। यहाँ पर बात करेंगे माकरम की, जिसने 3 ओवर में 25 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। मेकरन ने 10 ओवर में 90 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मेन ने 10 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल की। बस डिलेड ने 10 ओवर में 72 रन देकर 2 विकेट हासिल की।
अब यहाँ पर बात करेंगे नीदरलैंड की बैटिंग की, स्कोरकार्ड की। बेसरी ने 4 गेंदों 5 गेंदों का सामना करते 4 रन बनाए। मिक्स ओडेडो ने 42 गेंदों का सामना करते 3 रन बनाए, 30 रन बनाए, 2 3 चौके और 1 छक्का लगाए। इसके साथ बात करें अक्रमेन की, जिसने 32 गेंदों का सामना करते 35 रन बनाए, 6 चौके लगाए हैं। इसके साथ बात करेंगे 18 गेंदों का सामना करते 7 रन बनाए। इसके साथ बात करें एडवर्ड 11 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। यहाँ पर बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग की, तो जसप्रीत बुमराह ने 6 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल की। मोहम्मद शामी ने 5 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यह कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 1 मीडियम किया, 8 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। यहाँ पर जडेजा की बात करें, 2 ओवर में 4 रन देकर जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल की। हाईलाइट शेयर करूंगा इंडिया वर्सेस नीदरलैंड की मैच की मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में। यहाँ पर हाईलाइट शेयर करूंगा, यहाँ पर आप मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के मुकम्मल हाईलाइट देखोगे। वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में इंडिया वर्सेस नीदरलैंड की मैच की मुकम्मल फुल हाईलाइट शेयर करने वाला इस वीडियो में। लेकिन हाईलाइट से पहले आप लोग को दिखाऊंगा इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के दोनों टीम के मुकम्मल स्कोर कार्ड। इसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगा दोनों टीम के मुकम्मल स्कोर कार्ड, बॉलिंग और बैटिंग के स्कोर कार्ड। इसके बाद आप लोग के साथ मुकम्मल फुल एचडी क्वालिटी में हाईलाइट शेयर करने वाला हूं। अगर तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारे किस्म नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिया वर्सेज नीदरलैंड के मैच के हवाले से, जो कि इंडिया ने जीता। इसके बाद आज की लेटेस्ट हाईलाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस मैच की। तो पहले नंबर की बात करते हैं इंडिया के स्कोर कार्ड के बारे में, तो पहले नंबर की बात करें रोहित शर्मा, जिसने 34 गेंदों का सामना करते 61 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें शिवम गिल ने 32 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाए, 3 चौके 4 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें विराट कोहली की, 56 गेंदों का सामना करते 51 रन बनाए, 5 चौके लगाए और 1 छक्का लगाए। इसके साथ बात करें शेरस लयार की, जिसने 194 गेंदों का सामना करते 128 रन बनाए, 10 चौके 5 छक्के लगाए हैं। इसके साथ बात करके आर राहुल, जिसे 64 गेंदों का सामना करते 102 रन बनाए हैं, 11 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। इसके साथ बात करें सूर्य कुमार यादव की, जिसने 1 गेंद का सामना करते हुए 2 रन बनाए हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड की बॉलिंग की, तो अरिन दत्त ने 7 ओवर में 52 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। विन बेक, जिसने 10 ओवर में 107 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। यहाँ पर बात करेंगे माकरम की, जिसने 3 ओवर में 25 रन देकर क्वी विकेट हासिल नहीं की। मेकरन ने 10 ओवर में 90 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मिन ने 10 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट हासिल की। बस डिलेड ने 10 ओवर में 82 रन देकर 2 विकेट हासिल की। अब यहाँ पर बात करेंगे नीदरलैंड की बैटिंग की, स्कोरकार्ड की। बेसरी ने 4 गेंदों 5 गेंदों का सामना करते 4 रन बनाए। मिक्स ओडेडो ने 42 गेंदों का सामना करते 3 रन बनाए, 30 रन बनाए, 2 3 चौके और 1 छक्का लगाए। इसके साथ बात करें अक्रमेन की, जिसने 32 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए, 6 चौके लगाए हैं। इसके साथ बात करेंगे 18 गेंदों का सामना करते 7 रन बनाए। इसके साथ बात करें एडवर्ड 11 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। यहाँ पर बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग की, तो जसप्रीत बुमराह ने 6 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल की। मोहम्मद शामी ने 5 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की। यह कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 1 मीडियम किया, 8 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। पर जडेजा की बात